नेपाल से नौकरी का झांसा देकर तीन युवक एक नाबालिग को नेपाल से भारत ले आए और फाजिलका के रेलवे स्टेशन पर उसको छोड़कर फरार हो गए। बच्चे को बेंच पर रोता देखकर रेलवे पुलिस द्वारा मामले की तहकीकात की गई। इसके बाद इस मामले की सूचना फाजिलका के जिला प्रशासन में पुलिस को दी गई। रेलवे पुलिस द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है। बच्चे के बयान दर्ज करने के बाद पुलिस द्वारा जांच शुरू कर दी गई है। बच्चे का कहना है कि नेपाल के ही तीन युवक उसे नौकरी का झांसा देकर पहले बठिंडा ले आए और बठिंडा से उसे रेवाड़ी वाली गाड़ी के जरिए फाजिलका में ले आए और फाजिलका में एक बेंच पर छोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस द्वारा उसे पकड़ लिया गया। जिस तरह से यह मामला सामने आया है, फाजिलका का यह मामला है, फाजिलका में आज एक नेपाल का नाबालिग बच्चा मिला है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूं, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। आज का रेलवे स्टेशन तो मुसाफर ने इतला दी आके दसिया चौकी चा एक बच्चा है 13-14 साल का जिहड़ा शैडा के बेंच ते बैठा सोई जांदा। इहदा पता करो, जिहनूं पता कीता पर चुप नहीं कर रहा, आप जाके पता करो। तो असीं इत्थे गए, मौके ते पहुंचे, जाके बच्चे नूं पुछिया, उहने दस्सिया कि मैनूं नेपाल तों आदमी लैके आया तीन जणे, वो मैनू इतने बठिंडे तो रवाड़ी वाली गड्डी से, बठिंडे मैं पता कि बठिंडे अं आए हैं, बठिंडे तो इतने रवाड़ी वाली गड्डी चढ़ा के फाजिलका ले आए। इतने बेंच के उत्ते बिठा के मैनू ये कह के चले गए कि असं 5-10 मिनटों बाद आने तेन लै जावे। और वो बच्चा 4:15 का बैठा होया, शाम को मतलब 6 बज गए, उन्होंने कोई लैन नहीं आया, तो रोई जा रहा जी। अभी जाकर उन्होंने पूछा, वो कहता कि मैंने 3 दिन हो गए सफ़र करते, मतलब ट्रेन गड्डी के मैं लेके आया, मैं किसी शहर का पता नहीं। आपका नाँ जरा नवी सानो पूर्ण उम्र 13 साल कंचनपुर नेपाल दस रहे, पूरा एड्रैस मतलब सही नहीं दस रहा। जिस संबंधी एक इतने DC साहब वालों पंजाब गवर्नमेंट वालों बच्चा चाइल्ड वेयर सोसायटी बनाई गई है, उन्होंने असं अतलाह दी है, DC साहब ने अतलाह दी, SSP साहब सारे SDM वगैरह सारे अतलाह दी। असी आप मतलब CC कैमरों के भी देखा स्टेशन मार्ग तो खुलवा के, पर उधर जितले पास बिठा के गए उधर कैमरों के यदि फोटो या किसी पास तुरे जाने की नहीं आती, तो वह सूँ कोई पता नहीं लग्या। हूँ असी जो बच्चा है गौरमेंट के हुक्म मुताबिक इस असी संस्था के हवाले कर रहे हैं, जिड़े जिन्होंने इंचार्ज मैडम है उन्होंने गल हुई है, वह कहें असी नेपाल DC SSP गल करके तो उन्होंने हवाले कर देंगे, वो आपकी स्टडी के रखे जितने बच्चों को रखा जाता है, तो कल में कोई हल मतलब करके उन्होंने हवाले करेंगे। कि ट्रेन चाहिए सर इतने मतलब जो बठिंडे तो रवाड़ी रवाड़ी हालत आँदी है वो तो आया बठिंडे तो, मतलब वो कहना कि मैंने इन्ना पता कि बठिंडे तो रस्ते से इनू मतलब उन्होंने 2000 रुपया दिता है। एक जगह उन्होंने मतलब इन कपड़े भी पेंट शर्ट नवी पवाई है, एक मोबाइल ओप्पो का कंपनी का जिस सिम नहीं पाया हुआ वो नवा लैके दिता है, चश्मे लैके दते हुए हैं, ठीक है। एक 1000 रुपया जोड़ा ये पूरे मतलब बैग के मतलब है 2000 दिता से, उन्होंने 1000 लाता 1000 रुपया पूरे है। ये कहना कि मैं वैसे मेरे महल्ले है मेरे इलाके महल्ले है, पर मैं इन्होंने नाम नहीं जानता, इन्होंने शक्ल तो पछाण। ट्रेन कितने बजे पहुंची सर फाजिलका? ये पहुंची अरे 4:45। नवीन। पिता का क्या नाम है? पूरन ढोलना। कहाँ के रहने वाले हो? नेपाल। कौन सा शहर लगता है आपका? जलाजी। आपके घर का एड्रेस क्या है? पीताम्बर। तो आप यहाँ फाजिलका कैसे पहुँचे? 3 लोग। कब उठाया गया आपको? 3 दिन। कितनी तारीख को? 25। तो आप कहाँ जा रहे थे, कहाँ से उठाया आपको? घर से उठाया। तो बाहर आप कोई स्कूल में जा रहे थे या खेल रहे थे, क्या कर रहे थे? घर में। कितनी उम्र आपकी? 13। तो कौन बंदे थे आप जानते उनको? नहीं। क्या बोला था उन्होंने, कैसे क्या किया था उन्होंने? बोला था कोई कैसे उठाया आपको? पापा क्या नाम आपके? पूरन ढोल। मम्मा का क्या नाम है? धनवती। कौन कौन है घर में आपके? भाई। क्या नाम है भाई का? रमित। कितनी उम्र आपकी, एज कितनी आपकी? मेरा 13।
डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट का डेट ऑफ बर्थ, जन्म तारीख पता नहीं।